मॉर्निंग दीदी। तो कैसा रहा आज सुबह का सूरज? क्योंकि कल सुबह का सूरज तो तुम देखने वाली हो नहीं, आज तुम्हारी आखिरी रात है। तैयार हो ना मरने के लिए? ऐसे रिएक्शंस क्यों देती हो? इतने हिंट तो दिए मैंने तुमको। दो विकेट, दो फिंगर, दो पराठे। खुद को बहुत स्मार्ट समझती हो ना, तो थोड़ी तो क्यों मैं जली होगी। अरे आंख की नहीं, दिमाग वाली। नहीं समझ में आया? मैं समझाती हूँ। मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। तू मुझे नहीं मार सकती। तुम रोकोगी? मेरी छोटी बहन, मेरी दीदी। ओ शैतान, ये इमोशनल पिए, ये तो पागल ही हो गई है। बहन बहन का प्यार दीवी, ओ गॉड, भूल गई है क्या कौन दीवी? तुझे समझ में नहीं आता या तो समझना नहीं चाहती? मैं दीवी, मैं दिव्याचनी, जानती हूँ। पर मैं ये भी जानती हूँ कि इसी शैतान के अंदर मेरी छोटी बहन मेरी दीवी है। वही दीवी जो इतने बरसों बाद कुछ महीने पहले ही मिली थी मुझे। और वो दीवी सिर्फ मेरी बहन नहीं, मेरी माँ की आखिरी निशानी भी है। दो बहनों के प्यार की मिसाल। और ऐसी मिसाल जब इस दुनिया में आ जाती है ना, तो इतनी आसानी से नहीं जाती। मैं जानती हूँ वो है, वो अभी भी यही है। मेरी दीवी जिंदा है और वो मुझे मरने नहीं देगी। उफ, तुम तो और तुम्हारी ये बोरिंग बातें, फेड अप हो गई हो। खैर ये सब मेलोड्रामा बातें छोड़ो, तुम जिस दुनिया की बात कर रहे हो ना, उसी दुनिया की जीती जाती लाइफ को तो जब गुड बाय बोलने वाले, उसके पहले अपने सो कॉल्ड हस्बैंड को भी तो गुड बाय बोलो। जा तो वो भी रहा है ना। उन्हें हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, अगर उन पर एक आंच भी आई ना। अरे नहीं नहीं मिसेस इमोशनल शेल्डन, जा तो रहा है मतलब तुम्हारे लाइफ से, अपने लाइफ से नहीं। अब तुम्हारे मरने से पहले एक और शॉट मौत होने वाली है। अब रक्षित के माथे में तुम्हारे हस्बैंड का नाम का जो स्टैंप लगा हुआ है ना, वो ज्यादा नहीं दिखने वाला। मतलब तुम्हें किसी ने इनविटेशन नहीं दिया, तुम्हें किसी ने बताया भी नहीं? ठीक है मैं बताती हूँ। आज शाम को सगाई है। जानती हूँ सिमरन की सगाई है। ओह दैट इज ओल्ड न्यूज़। आज की ताज़ा खबर, रक्षित की सगाई है तुम्हारे मिस्टर शैलू की। जो आज तक तुम्हारा मिस्टर बन के घूम रहा था, वो आज शाम से किसी और का मिस्टर बन के घूमेगा। ऐसे कैसे वो रक्षित से सगाई कर सकती है? वो एक शादीशुदा लड़की है, मेरे बेटे सनी की पत्नी है। ओजस्विनी, सुबह सनी ने मुझे वीडियो कॉल किया था, उसने कहा कि लवण्य ने उसे डिवोर्स पेपर्स भेज दिए हैं या उसने वो पेपर्स साइन भी कर लिए। वो पेपर्स यहाँ भेज रहा है, उसके लॉयर से बात भी हो गई है। अब ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा और बहुत जल्द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये डिवोर्स भी। एक मिनट, क्या बोला आपने? क्या कहा? सनी ने आपको सुबह फोन किया था और उसने मुझे फोन करना जरूरी नहीं समझा। मैंने उसे इतनी बार कॉल किए, उसने मेरे एक भी फोन का जवाब नहीं दिया, ना ही मुझे कॉल किया। भाभी मैं उसकी माँ हूँ, उसने मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा। ओजस्विनी कूल डाउन, ये बखेड़ा उसने खड़ा किया है ना, इसलिए तुमसे बात करने से डर रहा होगा। अक्सर जब बच्चे ऐसा काम करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा अपनी माँ से बात करने से डरते हैं, इसलिए शायद तुमसे बात नहीं कर पा रहा है वो। और वो अपने किए पर शर्मिंदा भी है, उसने सॉरी भी कहा कि जब सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा ना, वो तुम्हें खुद कॉल करेगा। ओजस्विनी प्लीज रोना बंद करो और मुस्कुरा दो। अरे तुम्हारी बेटी सिमरन की सगाई है, ऐसे रोते हुए करोगी क्या? मुस्कुरा दो। भाभी आपने सनी से बात की, बताइए ना खुश तो है ना वो? हाँ आपको क्या लगता है उसकी बातों से? हाँ मरा हुआ तुम्हारा सनी ना कब का मर चुका है। जिसे कॉल किया था वो सनी नहीं, वो तो मैं था। और जब चाहो ना अपना रूप बदल सकता हूँ, किसी का भी रूप ले सकता हूँ, कभी छोटू, कभी सनी, कभी बिच्छू। अपने दिव्याचनी के लिए ना अपना बिच्छू का रूप लेता हूँ ताकि मैं उसकी हेल्प कर सकूँ। नहीं नहीं नहीं, जब दिव्याचनी मुझे ऑर्डर करती है। बकवास कर रही हो तुम? नो बेबी सच बोल रही हो। देखो अब तुम अपना दिल दिल मत तोड़ना, वैसे भी तुम टॉप टू बॉटम आज मरने वाली हो। हाँ थोड़ा झटका तो लगा, रक्षित को थोड़ा वेट कर लेना चाहिए था एटलीस्ट तुम्हारा मरने तक का। दिल दुनिया कानून सब यही कहते हैं, जब तक पहली वाली बीवी जिंदा है तब तक तुम दूसरी बीवी नहीं ला सकते बेसिकली। लेकिन रक्षित को तो बहुत ही जल्दी है, उसको तो इंतजार ही नहीं करना था तुम्हारे मरने का। इतना डेस्परेट है तुम्हारा सौत लाने का। अब जो लड़की उसके आस पास घूमती रहती थी, अब शाम से उसके साथ साथ घूमती रहेगी। हो तुम्हें ये भी नहीं पता, तुम्हारे बीवी बनने से पहले जो दिन रात उसके आसपास घूमती रहती थी, इनफैक्ट तुम्हारी शादी होने से पहले उसके साथ ही तो शादी होने वाली थी। लवण्या और कौन? हम सबने दृष्टि को अपनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो हमारी कभी अपनी बनी नहीं पाई रक्षित। ना उसने इस परिवार को, ना मुझे, ना तुझे, ना किसी को अपनाने की कोशिश की।
और ये सब देखते हुए एक माँ होने के नाते मैं तो यही चाहूंगी ना कि तुझे लवण्य से शादी कर लेनी चाहिए। मेरे लिए ना तुम बस एक मिस्ट्री, एक पहेली बनकर रह गई हो। समझ में नहीं आता चाहती क्या हो, किसके पास आना चाहती हो, किससे दूर जाना चाहती हो, किसको किसको पसंद करती हो, किसको नहीं पसंद करती हो, बस अंडा देती हो। हेलो मिसेस टेम्पररी शेल्टर, कहाँ खो गई? अभी से अपने हस्बैंड का ढोल बाजा के धुन सुनने लगी क्या? ढोल तो तब बजेंगे ना जब शादी होगी, मैं ये शादी होने नहीं दूंगी। ओ, लोग प्यार में पागल होते हैं लेकिन तुम तो अंधी हो रही हो। तुम्हारा बेचारा हस्बैंड पूरा टाइम तुमको घूरता रहता है। लेकिन तुम हो कि उसको देखती भी नहीं हो। आज भी नहीं देखा या फिर तुम उसको दिखी नहीं? तो फिर बेचारा हस्बैंड यही सोचेगा ना कि तुम्हारे दिल में उसका नाम का कोई धड़कन ही नहीं है। अभी लावण्या जो पूरा टाइम उसके आगे पीछे घूमती रहती, आज शाम से उसके साथ साथ घूमेगी उसकी बीवी बनके। कल रात को सिमरन की एंगेजमेंट है और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ तुम फंक्शन में खड़ी रहो, पर अगर तुम नहीं आई या हमेशा की तरह गायब हो गई तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम ना तो मेरे साथ रहना चाहती हो ना ही तुम इस शादी में रहना चाहती हो। कल रात को फैसला हो जाएगा। देखो आ गया रक्षित। वो कहते हैं ना जिसका नाम लो वो सामने से आ जाए तो उसकी उम्र बहुत लंबी हो जाती है। तुम्हारे पति की उम्र तो बहुत लंबी है लेकिन तुम्हारे साथ नहीं, उसकी नई बीवी के साथ। दीबाब्स सुनो ना, आई नीड योर हेल्प। एक्सक्यूज मी, सुनो ना, आप मेरी फैशन स्टार हो, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, प्लीज आज शाम को क्या पहनना है उसमें मेरी मदद कर दो आप। वैसे आप यहाँ क्या कर रही हो? किसी को मारने की प्लानिंग कर रही थी। व्हाट? आप भी ना कितना मजाक करते हो। खैर चलो ना मेरे साथ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। ओके कम। एक्सक्यूज मी, सी यू टुनाइट। बेबी, आई एम सो कंफ्यूज्ड। देखो ना इन दोनों में से कौन सा पहनूं? बताओ ना। ओह कम ऑन बेबी, अब देखो ना, अब जब तुमने सगाई के लिए हाँ कर ही दी है तो फिर हमें इसे अच्छे से करना चाहिए ना। फॉर बेबी, अब देखो अगर वो तुम्हारी सो कॉल्ड बीवी हमें सगाई से पहले भी इतना क्लोज देख लेगी तो आई एम श्योर वो रिएक्ट तो जरूर करेगी और हो सकता है कि वो सगाई भी रोक दे। तो तुम्हें जो पता करना था वो सब तो तुम्हें पता चल ही जाएगा, तो तुम्हारा काम तो शॉर्टकट में ही हो गया ना। एनीवे रक्षित, ये सब छोड़ो, ये बताओ इन दोनों में से कौन सी पहनूं प्लीज? ये लेफ्ट वाली। लेफ्ट वाला? अब आर यू श्योर? ये वन सेकंड, मुझे लगता है यहाँ ना लाइट थोड़ी कम है। मैं अभी दूसरी लाइट ऑन करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा पीछे हो जाओ। पीछे? अब दिख रही है? हाँ? नहीं यहाँ भी लाइट कम है, थोड़ा और पीछे जाओ, लाइट बेटर हो जाएगी। ओह गॉड, ये ठीक है? थोड़ा सा और पीछे। कम ऑन बेबी, एनीथिंग फॉर यू। अब बताओ कौन सी पहनूं, रेड या वाइट? बस दो कदम और पीछे। Perfect. ये बिल्कुल सही जगह पर हो। अब फाइनली बताओ कौन सी पहनूं?